दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वंशानुगत रोग हैं, तो वंशानुगत रोग कौन से है दो? तो एक हो जाएगा वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। वर्णांधता जो रोग होता है उसमें आँखों की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है, और हीमोफीलिया रोग में जो रक्त की जो कमी होती है वो रोग हीमोफीलिया रोग कहलाता है। तो ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया, तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेरनर ने 1876 में किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो जो वर्णांधता जो रोग है उसके अंदर हरा एवं लाल रंग में विभेदन नहीं किया जा सकता है, इसकी पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अगला प्रश्न आता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, और जठर रस आमाशय के अंदर पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल दोनों ही सहजीवी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत स्मॉल इंस्टेस्टाइन के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख से ग्रसनी घ्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत और मल द्वार तक समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे भोजन का जो अवशोषण होता है उसमें से वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी आवश्यक तत्व है वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होते हैं। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अगला प्रश्न आता है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी जांग के अंदर पाई जाती है, सॉरी सर, टीबिया नामक हड्डी टांग के अंदर पाई जाती है, और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और वो जांग के अंदर पाई जाती है, जबकि टीबिया टांग के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली के अंदर सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में एक सहायक होता है, तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती, तो एंजाइम जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से बनते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हैं, स्टार्च जो होता है वो अंतिम रूप से किस उत्पाद में बदलता है, तो स्टार्च माल्टोज में बदलता है। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में उत्कों का निर्माण होता है, तो शरीर में उत्कों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक जो तत्व है वो कैल्शियम व फास्फोरस हैं। अगला प्रश्न आता है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस कांड 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न आता है, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, तो कार्बनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पत्तियों का रंग हरा हरित लवक के कारण होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है।
अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो केरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न आता, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो पेड़ तथा पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ में ही अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।